गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 7 के वेरी लघुतरात्मक प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स। हमने इससे पहले 8th लेसन के कर लिए थे, हमारा 7th लेसन बीच में छूट गया था, तो आज हम 7th लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, कंपनी के निर्माण की विभिन्न स्थितियों के नाम लिखें, यानी नेम द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो इसमें तीन स्टेजेस दे रखी हैं आपके, फर्स्ट है इसमें प्रवर्तन, सेकंड है समामेलन और थर्ड है पूंजी का अभिदान। ये इसका आंसर होगा, इंग्लिश मीडियम में प्रमोशन और फिर इनकॉर्पोरेशन सेकंड और थर्ड है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, कंपनी समामेलन के लिए आवश्यक प्रलेखों को सूचीबद्ध करें, यानी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराते समय कौन कौन से प्रलेख या कागजात ऐसे होते हैं जो जमा कराने जरूरी होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आंसर है इसका कंपनी के संस्थापन प्रलेख, जहां पर आपके ये हेडिंग दे रखा हो जिस पेज पर, यहां से स्टार्ट करेंगे क्या पॉइंट, कंपनी के संस्थापन प्रलेख, फिर कंपनी के अंतर नियम, फिर गय है निर्देशकों की लिखित सहमति, इसके बाद घय अणे चय छय और जय, ये 8 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये आपको पॉइंटों के नाम, तीन तो पॉइंटों के नाम लिखने हैं, बाकी ये तीन सारे जो हैं इनमें जितनी एक एक दो दो लाइन दे रखी है ये कंप्लीट इसके आंसर में आएगी। इंग्लिश मीडियम में आपके जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, तो इसमें पेज नंबर आपके 170 पर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकेंड पॉइंट है आपके द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट पॉइंट तक जो दे रखे हैं ये 8 के 8 पॉइंट्स आएंगे। इसके बाद आपके थर्ड क्वेश्चन है जो वो है प्रेविडेंट पत्र क्या होता है, क्या प्रत्येक कंपनी के लिए प्रेविडेंट पत्र जमा कराना आवश्यक है, यानी क्वेश्चन है आपका व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस, इट इज नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू फिल प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ इसका आंसर आपके 189 पेज पर दे रखा है, जब स्टार्ट हो रहा है प्रविवरण में आप देखेंगे तो इसमें स्टार्ट हो रहा है प्रविवरण पत्र, ऐसा कोई भी प्रलेख आगे जो लाइनें हैं उनके बाद खत्म होगा प्रस्ताव आमंत्रित करता है तक, यानी इसको स्टार्ट करना है प्रविवरण पत्र वाले टॉपिक में से, प्रविवरण पत्र ऐसा कोई भी यहाँ से स्टार्ट करके और प्रस्ताव आमंत्रित करता है तक हम इसको बुक में से लिखेंगे। फिर इसमें हम लिखेंगे एक सार्वजनिक कंपनी के लिए तो जमा कराना, प्रविवरण पत्र जमा कराना आवश्यक होता है, जबकि निजी कंपनी के लिए इसको जमा कराना आवश्यक नहीं है। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन आपके जो दे रखा है वो दे रखा है पेज नंबर 172 पे, ए प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोस्पेक्टस वाला ही, अगर आप टॉपिक देखोगे तो ए प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ तक खत्म हो रहा है आपके। फिर ये हमने अपने हिसाब से लिखा, अपने उससे जोड़ करके लिखा है कैन इनवाइट द पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है तो इसको जमा कराना है, जब बट कैन नॉट इनवाइट द प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी जनता को आमंत्रित नहीं करती इसलिए उसको जमा नहीं कराना है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आवंटन विवरणी शब्द को संक्षेप में समझाइए, यानी आवंटन विवरणी क्या है, तो ये आपके हिंदी मीडियम में पेज नंबर 191 पे दे रखा है सफल अंशों के आवंटन विवरणी वाला जो टॉपिक है, अगर आप उसको देखोगे तो वहां पे आपको स्टार्ट करना है सफल अंशों के आवंटन प्राप्तकर्ताओं को आवंटन पत्र भेजा जाएगा आवंटन के 30 दिन यहाँ से लेकर के रजिस्ट्रार के पास जमा कराई जाएगी तक, ये इतनी लाइनें आपको इसके आंसर में लिखनी है। इंग्लिश मीडियम में ये स्टार्ट हो रहा है अलॉटमेंट लेटर आर इशूड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिनिश हो रहा है आपके 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपके कंपनी निर्माण के किस स्तर पर उसे सेबी से संपर्क करना होता है, यानी उसको सेबी से कब संपर्क करना है कंपनी को, तो इसका आंसर आपके हिंदी मीडियम में
189 पर जो क्या पॉइंट दे रखा है सेबी वाला, वो कंप्लीट आंसर इसमें लिखना है। इंग्लिश मीडियम में इसका आंसर 172 पेज पर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है सेबी अप्रूवल, सेबी अप्रूवल वाला जो पॉइंट है, ये कंप्लीट एक्सप्लेन यानी डिटेल इसका पूरा आपको इस क्वेश्चन के आंसर में करना है। तो ये हमारे लेसन नंबर 7 के लघुतरात्मक प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब हमको केवल हमारा 9 लेसन रह गया है जिसके क्वेश्चन आंसर हमको करने हैं। बाकी सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ। आपकी कॉपी में किताब के पीछे जितने भी लघुतरात्मक या अति लघुतरात्मक जो भी प्रश्न दे रखे हैं, बड़े क्वेश्चंस को छोड़ करके, निबंधात्मक को छोड़ करके, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट जो भी क्वेश्चंस मैंने भेजे हैं आपको किताब के पीछे वाले, वो आपको कॉपी में करने हैं। और लास्ट आपका जो लेसन नंबर 9 पूरा हो चुका है उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले लेक्चर में भेजूंगी।